ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਬਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਣਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਾਹ ਸੀਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हमेशा लेट जाते हैं जब मुगल आए तब भी ये सोए रहे अंग्रेज आए अंग्रेज आज गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ चुके हैं हम तो हमारे दो ये हमारे दो हैं अंबानी और अडानी जो पूरे देश को कब्जा करना चाहते हैं वो हमें लूटना चाहते हैं कहीं ना कहीं हमें मार मोड़ का गुलाम बना रही है बहुत बड़ी साजिश जो हमें रची जा रही है और अगर आज भी हम नहीं जागे कभी नहीं जा सकते आपने देखा होगा पिछले दिनों साजिश के तहत भारत में अब जम्मू में रिलायंस जियो मार्ट जो है उसको लाया जाता है किसी से अधिक रिलायंस जियो मार्ट जो है खोले जाते हैं षड्यंत्र रचा जाता है कि ट्रेडर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल करेगी भारत एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ये भड़काया जाता है कि इन्होंने आपने जब आपने कॉल की थी तो इन्होंने साथ नहीं दिया था आज आप क्यों साथ दे रहे हैं इनका जब ये आप आपकी मूर्त की तभी आपके साथ नहीं देते फिर आप क्यों दे रहे हैं कहीं ना कहीं हमें वो उस तरीके से लगा कि उस बंद का जो आह्वान दिया था उन्होंने फेल किया और अपने काम में आपने जो चाल है उसमें कामयाब होंगे आज अगर बार से और जो है ट्रांसपोर्ट इकट्ठा नहीं हुई और इकट्ठा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम इनके गुलामों में जाएंगे और जो चालों में सफल हो जाएंगे।